अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा है और मैं हम कम्युनिटी की तरफ से मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर थोड़े टाइम बाद एक न्यू लाइव सेशन के साथ आते हैं एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आज भी हमने इसी तरह से आने वाली जो हमारी ईद है, ईद उल अज़हा के टॉपिक से रिलेटेड एक हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और कोरोना वायरस है तो प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और बड़ी सादगी से इस ईद को भी सेलिब्रेट कीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सलमान जावेद, जिनको आज हमने दावत दी है इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि हाउ कैन वी टॉक अबाउट द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वी हैव ड्यूरिंग द ईद। ईद पे हमारे क्या इश्यूज हो जाते हैं स्टमक से रिलेटेड एंड ऑल दैट स्टफ। तो वेलकम डॉक्टर सलमान, आई वुड लाइक कि आप पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारी ऑडियंस को और फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं। करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और आई प्रैक्टिस इन हमीद लतीफ हॉस्पिटल एंड उमर हॉस्पिटल इन लाहौर। बिल्कुल ठीक है, लेट्स वेट कि हमारी ऑडियंस एक बार गैदर हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने लाइव सेशन को। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हम लोग जैसे ही ईद आती है तो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईद पे हम लोग गोश्त की तरफ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमें ज़्यादा एक वो हो जाती है चीज़, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगी कि क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं लोगों की। एसिडिटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्टमक पेन्स होती हैं, तो उनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, हम क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं या क्या इतना डाइट ऐसा रख सकते हैं कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना हों। देखिए बेसिकली जो इशू है इट्स नॉट अबाउट द मीट, इट्स अबाउट द ईटिंग हैबिट्स दैट ऑल टुगेदर चेंज ड्यूरिंग दीज 3-4 डेज। एक्चुअली इशू होता है ये, एक तो ये है कि इट्स ऑल अबाउट मीट, मीट ही एक्सक्लूसिवली चल रहा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से गोश्त को पकाया जाता है और उसमें जितने ज़्यादा स्पाइसेस यूज होते हैं, उसमें फिर ग्रिल्ड फूड भी होता है, बारबेक्यूड आइटम्स भी होते हैं, तो वो जितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके साथ डेफिनेटली फिर क्योंकि स्पाइसेस ज़्यादा हैं तो, और जिनके स्टमक पहले से ही सेंसिटिव हैं वो तो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए, और जिनके स्टमक जनरली ठीक हैं और उनको नॉर्मली एसिडिटी नहीं होती लेकिन जब वो ज़्यादा स्पाइसेस यूज करना शुरू करते हैं इन दिनों में तो उसमें नेचुरली एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो द बेसिक थीम इज नॉट टू अवॉइड मीट ऑल टुगेदर बट टू यूज इट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, कि इसको खाएं लेकिन इस तरह से पका के खाएं कि वो स्टमक के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो। ठीक है, अच्छा हम लोग के पास क्वेश्चंस भी आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा है कि बस्मा पूछ रही है, आई एम फीलिंग गैस्ट्रिक इश्यूज अलॉट इन माय डेली लाइफ, गैस बहुत पास होती है एंड मेक मी एम्बैरस, काइंडली कोई सॉल्यूशन, या कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेशन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए इस तरह से तो कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। जिस तरह से जनरली स्टमक के मेजॉरिटी पेशेंट्स को इसी तरह से एसिडिटी और गैसेस के इश्यूज हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें हर पेशेंट जरा डिफरेंट होता है, तो उसमें फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसमें प्रॉब्लम है क्या। तो उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करके, कुछ पूछ के उनकी हिस्ट्री के बारे में कि कब से प्रॉब्लम चल रहा है, फिर ही मैं इस सवाल का ठीक से जवाब दे सकता हूँ। बिल्कुल ठीक होगा, अच्छा ठीक है बिस्मा, उसके लिए आपको फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें हमारे प्लेटफॉर्म से, डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं विजिट कर सकती हैं उन्हें उनके क्लिनिक के ऊपर तो वो हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन में आप वो भी ले सकती हैं। साथ ही साथ मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी, हमारे ग्रुप के ऊपर एक पोस्ट हुई है जिसके अंदर सिर्फ 8 आवर्स हैं आप लोगों के पास और 50% ऑफ है हम लोग के न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर, तो जिसे भी कंसल्टेशन चाहिए हुए तो फॉलो द स्टेप्स on the post and you can get 50% off. So moving on towards our next question, agar hum eid se related baat kar rahe hain sath hi sath aur bhi badi chhote chhote problems ya bimariyan chal rahi hain jaise ki typhoid aajkal bahut zyada common hua hai, to we would like ki aap us pe bhi thoda sa baat kare ki hum kis tarah se uski precautions ya hum se kaise bach sakte hain aur kya reasons hain jiski wajah se bahut common ho chuka hai। देखिए टाइफॉइड से रिलेटेड ऑब्वियसली वो पेशेंट्स तो होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हाइजीन है।
मतलब ये जितनी भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, इसमें चाहे हेपेटाइटिस ए है या ई है, और खास तौर पे टाइफाइड, तो टाइफाइड का सोर्स भी पोल्ट्री के साथ और मीट के साथ, एग्स के साथ होता है। तो उसमें मेनली जो चीज़ है दैट इज हाइजीन। अगर प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, जो फूड हैंडलर्स हैं वो सही तरह से अपने हाथ धो रहे हैं, हाइजीन प्रॉपर है, और जो मीट यूज हो रहे हैं दैट इज प्रॉपरली कुक्ड, नॉट अंडर कुक्ड एंड नॉट ओवर कुक्ड, तो उसमें वो चीजें आमतौर पर बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं। सो जो मेन काम करने वाला है, क्योंकि अब जाहिर है गोश्त जो हैंडल होता है, जब गोश्त बनता है तो उसमें बुचर्स भी होते हैं जो कसाई हैं, उनकी हाइजीन कैसी है, गोश्त को हैंडल किस तरह से किया जा रहा है, उसको धोया किस तरह से जा रहा है, तो मेन फोकस शुड बी ऑन हाइजीन, और अगर वो हो तो टाइफाइड से बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे आमना आनंद ने हमसे पूछा है, प्लीज टेल द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू अवॉइड गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड आल्सो रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। लाइफस्टाइल चेंजेस बेसिकली जो दो तीन मेजर जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। एक तो ये है कि व्हेन वी डो नॉट हैव अ प्रॉपर रूटीन फॉर आर डेली डाइट इनटेक, अगर खाना वक्त बे वक्त खाया जा रहा है, और अगर खाना खाने के फौरन बाद लेटा जा रहा है, और जो अमाउंट ऑफ फूड एंड द क्वालिटी ऑफ फूड जो कि यूज किया जा रहा है उसके अंदर अगर स्पाइसेस ज्यादा हैं, फ्राइड आइटम्स और ऑयली चीजें ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेंगे। और मेन चीज जो करने वाली है वो यही कि ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, खाने के फौरन बाद हमने लेटना नहीं है, एटलीस्ट अ कपल ऑफ आवर्स उसके बाद फिर हम स्पेशली रात को लेटें। और दूसरी चीज ये कि स्पाइसेस और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल जरा कम हो। और स्ट्रेस का जो मामला है, ऑब्वियसली वो जब एवरीडे लाइफ में जिस तरह से आजकल मामला चल रहे हैं, और कोरोना का भी स्ट्रेस काफी है, एंड मेनी पेशेंट्स कम जस्ट बिकॉज एसिडिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस लाता है जिसकी वजह से एसिडिटी ज्यादा बननी शुरू हो जाती है, एंड प्रमोट्स एसिडिटी कमिंग ऑल द वे अप इन द थ्रोट एज वेल, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट बी काम। और दूसरा जो मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड दैट शुड बी मॉडरेट इन अमाउंट, तो उससे इंशाल्लाह चीजें ठीक रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अवान ने हमसे सवाल पूछा है गैस इश्यूज से रिलेटेड, स्पेशली स्पेशली व्हेन स्लीपिंग, सोते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें वो जैसे मैंने पहले बात किया, अगर खाना सोने से जरा पहले खा लिया जाए, एटलीस्ट 2 घंटे पहले खा लिया जाए, और उसके बाद हल्की फुल्की वॉक कर ली जाए, फौरन लेटा ना जाए, क्योंकि होता ही है कि अगर हम खाना खा के फौरन लेट जाएंगे तो स्टमक के अंदर जो फूड का जो जैसे हम कहते हैं जो ट्रांजिट टाइम है वो डिले हो जाता है। खाना प्रॉपरली जितनी देर में उसको आगे पास ऑन होना चाहिए नहीं होता, इट स्टेज लॉन्गर इन द स्टमक, एसिडिटी ज्यादा बनती है, डाइजेशन थोड़ी डिले हो जाती है, और उसकी वजह से गैसेस होती हैं। और कुछ पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी स्टमक के इश्यूज चल रहे होते हैं उनमें डेफिनेटली वो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली करना यही चाहिए कि रात का खाना एक तो लाइट होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि खाने से सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, ठीक तो उससे गैसेस काफी कम हो सकती हैं। है, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इसको आंसर किया है। अमान का भी हो गया है और ऊपर जो विस्मा ने क्वेश्चन पूछा था, दोनों बहुत अच्छे से आंसर हो गए हैं। मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का आजम खोकर का, एंड ही इज आस्किंग, मेरे फादर को लास्ट 10 ईयर्स से प्रॉब्लम है, उनके स्टमक अपसेट रहता है, उन्हें जो खाना खाए उनको डाइजेस्ट नहीं होता है और वॉमिट कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी चेस्ट और उनकी शोल्डर में भी पेन स्टार्ट हो जाती है, और पूरी बॉडी में मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ठीक है। अब इसमें क्योंकि इनके फादर है, जाहिर है ही मस्ट बी अराउंड 50+, तो और साथ में ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का, या वो कुछ और ऐसी मेडिसिन पहले ले रहे होते हैं जो ऑलरेडी स्टमक को कुछ इरिटेट कर रहे होते हैं। तो ये जो इनका जो पर्टिकुलरली जो चीज है जो ऊपर चेस्ट में पेन आती है और जो फीलिंग आती है, इट्स सजेस्टिव ऑफ कि एसिडिटी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, एंड इट इज गेटिंग इन टू द फूड पाइप, और रिफ्लक्स एसिड का हो रहा है, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि फूड पाइप काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्टिफ और टाइट हो जाता है, फिर उसकी वजह से एसिडिटी गले में भी फील होती है और चेस्ट में पेन भी होती है। सो वी नीड टू प्रोबेबली इनके मामले में थोड़ा सा वही बात जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि वो क्या क्या दवाइयां पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई है या नहीं है, और क्योंकि ओल्ड एज में अबव 50 हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। सो
अभी तो जो दवाई ले रहे होंगे वो लें, और करीबी किसी डॉक्टर से रब्ता करके तो वो जरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, तो फिर ही बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है, अगर तो आपके करीबी कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो आप उनसे ज़रूर मशवरा करें, नहीं तो मैम इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन कंसल्टेशंस एंड डॉक्टर सलमान जावेद इज ऑल्सो देयर। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इरसा रसूल ने हमसे पूछा है, आई डू फील गैस्ट्रिक इश्यूज इन माई हेड शोल्डर्स। ओके अच्छा, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं उनके, और स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई थिंक आपने वो पहले आंसर कर दिया। ऐसा अगर हमारा लाइव सेशन खत्म हो जाता है तो आप दोबारा देखिएगा, डॉक्टर साहब ने स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रिक इश्यूज को ऑलरेडी आंसर कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाहिद मसूद अहमद हमसे पूछ रहे हैं, बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं क्वाइट ऑफन, हाउ कैन वी अवॉइड द इश्यूज, ऑल्सो आई फील बर्निंग एज वेल आफ्टर माई डेली एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग। अब इसमें भी जो बेसिकली जो इश्यू जो बर्निंग इशू होता है, और स्पेशली जब इट इज रिलेटेड टू, जैसे हमने पहले बात की रिलेटिंग टू डाइट एंड स्ट्रेस, अब जो रिफ्लक्स एसिड रिफ्लक्स की बात हुई है जो दो 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 पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस हुआ, अब एक्सरसाइज के साथ भी होता है, व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग डूइंग एक्सरसाइज तो उसमें पेट के मसल्स भी यूज होते हैं, देख वो भी स्ट्रेच होते हैं, और उसकी वजह से पेट में थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता है। और अगर किसी पेशेंट को पहले से स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज और एसिडिटी चल रही है तो उससे वो थोड़ा सा प्रमोट होती है एसिडिटी का ऊपर आना, क्योंकि पेट में मसल स्ट्रेच होते हैं, पेट में प्रेशर बनता है, और एसिड रिफ्लक्स जो है वो फैसिलिटेट होता है उस चीज से। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स को हम यही एडवाइस करते हैं कि दे कैन डू द कार्डियो एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग, जॉगिंग एंड लाइट एक्सरसाइज, लेकिन वो एक्सरसाइजेस अवॉइड करें जिनसे पेट में डायरेक्टली पेट पे स्ट्रेस पड़ता है। तो उससे फिर ये होता है कि वो एसिड का ऊपर को आना वो जरा थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटेट हो जाता है। So they can do jogging and exercise, other light exercises, but not those exercises which directly involve the belly muscles. ओके ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आपके आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू माउथ सोर्स हैव अ लिंक विद एनी गैस्ट्रिक इश्यूज और स्टमक एसिडिटी? माउथ सोर्स का, जी हाँ डेफिनेटली उसके साथ है। माउथ सोर्स की देर आर मेनी रीजंस फॉर द माउथ सोर्स, लेकिन जो दो तीन कॉमन सिनेरियोज हैं जो कि स्टमक के प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड हैं, उसमें एक तो एसिड रिफ्लक्स का ही जो बार बार जिक्र हो रहा है, वो एसिडिटी जब ऊपर तक आती है तो समटाइम्स उसको हम वाटर ब्रैश भी कहते हैं कि स्टमक के जितने कॉन्टेंट्स हैं वो ऊपर गले तक आके ओरल कैविटी में आ रहे मुंह तक पहुंच रहे होते हैं, और स्पेशली जब पेशेंट रात को लेटे हुए होते हैं फ्लैट, तो तब ये होता है कि एसिड ऊपर तक मुंह में फिर आता है, और उसकी वजह से दांत भी खराब होते हैं, दांतों की जो एनामल होती है वो डिस्टर्ब होती है, और जो मुंह के अंदर की जो हमारी लाइनिंग है वो भी डिस्टर्ब होती है, और एसिड के एक्सपोजर की वजह से माउथ सोर्स हो सकते हैं। तो यस इट हैज अ रिलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान का, शुड वन टू वॉक इमिजिएटली आफ्टर डिनर और आफ्टर टेकिंग रेस्ट? अच्छा, इसका आंसर भी डॉक्टर साहब ने कर दिया है कि वॉक कब करनी चाहिए और खाना खाने से कितना टाइम पहले खाना चाहिए। तो सलमान, हमारा लाइव सेशन जैसे ही खत्म होगा तो आप इसको देख सकते हैं, हमारे पेज पे भी है और थोड़ा टाइम बाद यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नूर अली रजा का, जो कि कह रहे हैं मेरी सिस्टर को 3 साल से सिर में बहुत पेन है और वो यूके में है मगर कोई समझ नहीं आ रहा, काइंडली वो बता दें। अच्छा, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, तो हमारे पास और भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपकी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ये आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बेनिफिशियल फॉर एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक? जनरली जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दे आर ऑल स्टमक फ्रेंडली, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको खास तौर पर देखना होता है कि वो फ्रूट्स जो ज़रा जूसी होते हैं, जिनमें रस ज़्यादा होता है, जिनमें खास तौर पर सिट्रस स्पेशली, तो सिट्रस इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और स्टमक में अगर पहले ही एसिडिटी बन रही है और ऊपर से हम एसिडिक फ्रूट्स ले रहे हैं जिनकी नेचर एसिडिक है तो वो प्रॉब्लम करते हैं। अदरवाइज जो दूसरे फल हैं जिन जो प्योरली जूसी नहीं है और अदरवाइज दे आर ऑल बेनिफिशियल, ऑल वेजिटेबल्स आर गुड, लेकिन उसमें पर्टिकुलरली जिन पेशेंट्स को गैसेस का इशू ज्यादा है या एसिडिटी का इशू ज्यादा है वो रॉ वेजिटेबल्स अगर ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है, कुक्ड वेजिटेबल्स या बॉइल्ड वेजिटेबल्स लें तो दे आर मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू द रॉ वेजिटेबल्स। सो ओनली सिट्रस फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स विल कॉज प्रॉब्लम्स विद दोज पेशेंट्स हु हैव सम गैस्ट्रिक इश्यूज, अदरवाइज जनरली ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर द स्टमक।
ठीक है। अच्छा, मुझे ये फ्रूटी जूस जो है इससे याद आया, जो कि जिन फ्रूट्स के अंदर जूसेस होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, इस तरह के कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए भी ये चीज़ मना है कि आप अवॉइड करें ऐसे फ्रूट से जो जूसी हैं। इसका क्या रीज़न है, क्यों अवॉइड करने को? नहीं, इसमें कोई स्ट्रिक्टली ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि इस तरह के फ्रूट्स ऑल टुगेदर मना है या कुछ, बल्कि जो ज्यादा जो जूसेस वाले जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर विटामिन सी ज्यादा होते हैं। रिसर्च इस चीज पे है कि विटामिन सी इनटेक इज बेनिफिशियल फॉर द इम्यून सिस्टम ओवरऑल। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि ऐसे फ्रूट्स जो है वो कोरोना के पेशेंट्स को नहीं लेने चाहिए। ये एक प्रॉब्ली एक मिसकंसेप्शन ठीक हो, है। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इर्सा का अगेन एक क्वेश्चन है। हार्मोनल इश्यूज हैं उन्हें, जो कि नौजिया उनको होता है और वॉमिट भी होती है, एंड आई फील हैवी शोल्डर्स एंड हेडेक, अच्छा, तो हार्मोनल प्लीज इश्यूज गाइड जो मी। खास तौर पे जो फीमेल्स के जो हार्मोनल इश्यूज और जो उनका मंथली साइकिल होता है उससे रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे होते हैं, ऑब्वियसली हार्मोन्स के एक फ्लक्चुएशन के साथ में पीरियड्स इफेक्ट होते हैं। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज के जो दो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स होते हैं जो हु आर इंटरप्लेइंग बिटवीन दीज थिंग्स, तो उसकी वजह से समटाइम्स एसिडिटी का और जहाँ पे फूड पाइप जहाँ पे खत्म होता है और स्टमक जहाँ पे शुरू होता है जो उसका ज्वाइंट होता है, समटाइम्स इट गेट अ बिट लूज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल वेरिएशंस। खासतौर पे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो एसिड रिफ्लक्स को समटाइम्स प्रमोट करता है। सो हमें अंडरलाइंग रीजन को ठीक करना है। अगर उनके हार्मोनल इश्यूज हैं तो वो गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता करके उन चीजों को रेगुलराइज कराएंगी तो स्टमक के इश्यूज प्रॉबेबली साथ में फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वर्धा का, चेस्ट पेन आयरन सप्लीमेंट्स लेने से हो सकती है? चेस्ट पेन का डायरेक्टली आयरन के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो पेशेंट्स थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टमक उनमें फिर ये होता है कि आयरन इज अ लोकल इरिटेंट, और कोई भी मल्टीविटामिन्स होते हैं तो वो कुछ लोगों को सूट करते हैं नहीं करते, स्पेशली आयरन। इट कॉजेज लोकल इरिटेशन, इट कॉजेज मोर एसिडिटी, तो अगर वो हो रही हो तो उसकी वजह से बाज़ात फूड पाइप इरिटेट हो जाए और एसिडिटी ज्यादा हो रही हो और एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो तो उससे फिर चेस्ट पेन यस हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ एसिडिटी विद ड्राई कफ? यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जिन पेशेंट्स को ड्राई कॉफ हो रही हो तो उसमें एसिडिटी का जो की पॉसिबिलिटी है दैट इज वन ऑफ द फ्यू मेजर कॉजेज ऑफ ड्राई कॉफ, स्पेशली जब पेशेंट रात को लेटे होते हैं तो समटाइम्स पेशेंट जो एसिडिटी के और एसिड रिफ्लक्स के होते हैं दे प्रेजेंट लाइक एस्थमा, दे प्रेजेंट लाइक हैविंग ड्राई कॉफ, क्योंकि एसिडिटी गले तक पहुंचती है और वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट करती है थ्रोट को। तो अगर किसी को कॉन्स्टेंट परमानेंट ड्राई कॉफ चल रही है पुरानी तो एसिडिटी हैज टू बी रूल्ड आउट। So, moving on towards the next question. हलीम अब्बासी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो ऑल इट इज ऑल रिलेटेड टू द मेडिसिंस, तो आई वुड सजेस्ट आपके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लें, वो आपको बेटर गाइड कर देंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अगर आप नहीं उनको बजट कर सकते तो। अच्छा, नट्स नट्स का भी कोई रिलेशनशिप होता है वैसे हमारी एसिडिटी से, कि अगर हम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं इन चीज़ों की, तो वो हम लोग उससे हमें एसिडिटी हो सकती है? देखिए, एक जनरल जनरल कॉन्सेप्ट जो डाइट के हवाले से है, जो हेल्दी ईटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो वैसे तो वही बात है कि अगर कोई भी चीज़ हम ज्यादा मिकदार में यूज करेंगे चाहे वो हेल्दी हो तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। सो किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। नट्स अदरवाइज आर गुड फॉर द हेल्थ, लेकिन अगर ऑब्वियसली उनको ज्यादा मिकदार में लेंगे या कोई भी चीज़ हम ज्यादा यूज करेंगे या ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर हम मॉडरेट अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी इश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो एक सिचुएशन है जो उन्होंने अपनी बताई भी है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी गुड है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्टमक और इंटेस्टाइन में एक्सटर्नल पेन सी रहती है। अल्ट्रासाउंड करवाया था, डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन बताया है, और मेडिसिन दी थी मैंने, वो भी ले ली थी, और अभी मैंने जब CBC करवाया है तो उसमें भी इन्फेक्शन आया है, तो इस पर गाइडेंस चाहिए उन्हें।
इस पे अब कहना बड़ा मुश्किल है कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है या क्या है, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में है हिस्ट्री इनकी। तो आई वंडर कि अल्ट्रासाउंड पे इन्फेक्शन उन्होंने किस तरह से डायग्नोज किया। तो प्रॉबेबली अगर तो ये किसी अपने करीबी डॉक्टर से ज़रा उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि इस तरह से मैं हिस्ट्री क्योंकि प्रॉपर नहीं है तो मैं क्लियरली बता नहीं सकूंगा कि इशू क्या है इनका। ठीक है, तो आज़म आज़म आप प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा किसी भी अपने करीबी डॉक्टर से जो आपको ठीक ढंग से गाइड कर सके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हम लोग के अगले क्वेश्चंस की तरफ। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे होते, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा अब टाइम आ गया कि अब हमें अपनी कॉन्स्टिपेशन को सीरियस लेना चाहिए, काफ़ी टाइम से चल रही है, तो उसके बारे में कुछ अगर हम आप बताते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के देर आर 1001 कॉजेज। अब कॉन्स्टिपेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट स्लोइंग ऑफ द इंटेस्टाइन टू मेनी ब्रेन डिजीजेज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कोई हार्मोनल इश्यूज ऐसे होते हैं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन की रीजन उसमें अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट उसकी हिस्ट्री के मुताबिक क्या बन रही है। और दूसरी चीज ये जो बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन टू एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट टर्म। कुछ लोग जो होते हैं अगर उनको दिन में एक दफा स्टूल पास हो जाता है लेकिन दे आर नॉट अप टू देयर सेटिस्फेक्शन, तो वो उसको भी कॉन्स्टिपेशन कह रहे होते हैं। और कुछ पेशेंट्स को अगर सॉफ्ट स्टूल पास हो रहा है तो वो उसको भी कह रहे होते हैं। सो हमें एक तो पहले उसको डिफाइन करना है, फिर दूसरी चीज ये है कि सिर्फ लैक्सेटिव दे देना या स्टूल पास करने के लिए कोई फैसिलिटेशन की दवाई दे देना काफी नहीं है, उसकी रूट कॉज को देखना जरूरी है। जैसे मैंने बताया उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हार्मोनल इश्यूज भी हैं, बाज़ औक़ात को ब्रेन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा फिर। लेकिन जो जनरली जो हेल्दी ईटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये है कि फाइबर इंटेक आपका अच्छा हो, आपकी एक्टिविटीज ठीक हो, वॉक वगैरह हो साथ में, और वाटर इंटेक ठीक हो, फाइबर इंटेक ठीक हो। सो जनरली अगर ये सब कुछ हो तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ कर दूँ कि आप लोग जैसे कि मरहम का प्लेटफॉर्म ना सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हम लोग के एप्लीकेशंस भी हैं, तो अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है तो वो प्लीज़ डाउनलोड करें, आपकी लाइफ और आसान हो सकती है उससे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चंस ले रही हूँ तो मुझे कोरोना रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हम लोगों की पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कोरोना वायरस सेंटर का, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पे जाके अपने कोरोना रिलेटेड क्वेश्चंस दे दें और हम अपने डॉक्टर्स को वहाँ टैग करेंगे और आपकी क्वेरीज जो है वो आंसर हो जाएंगे। सो अब हम अपने नेक्स्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हमारे पास टाइम कम है तो हमें जल्दी जल्दी इनको कवर अप करना पड़ेगा, और अगर किसी का मिस हो जाए तो हम उस पे डॉक्टर साहब को बाद में टैग कर देंगे। अच्छा ठीक है, ट्रीटमेंट्स बता दें एसिडिटी के, बिकॉज उन्होंने एक दवाई का नाम लिया हुआ है आगे, शायद वो उन्हें सूट नहीं कर रही होगी, तो वो कह रही है कि क्या अदर ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं एसिडिटी के लिए। अच्छा, फिर डिपेंड करता है कि वो दवाई कौन सी खा रहे हैं। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं जो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आई वंडर कि ये कौन सी दवाई खा रहे हैं जो इनको सूट नहीं कर रही। लेकिन अगर एक दवाई से कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम है क्या फील कर रहे हैं, और उसके मुताबिक फिर हम दवाई को ऑब्वियसली चेंज किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर एसिडिटी ट्रीटमेंट। वरदा ने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ टू नो वी हैव एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न इफ स्टमक इज फाइन। जनरली अगर स्टमक बिल्कुल ठीक है, डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, तो हमें एसिड रिफ्लक्स के बारे में सोचना ही क्यों कि हमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। अगर जनरली आपको कोई हाजमे में इशू नहीं है और पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा ख्याल है सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारा स्टमक खराब है क्योंकि ठीक है। हाँ, समटाइम्स ये जरूर होता है कि पेशेंट्स को साइलेंट एसिड रिफ्लक्स, उसको हम कहते हैं कि एसिडिटी कुछ ना कुछ, वी डोंट हैव द हार्ट बर्न, वो टिपिकल हार्ट बर्न नहीं होता, लेकिन पेशेंट को चेस्ट में टाइटनेस की फीलिंग आ रही होती है, थोड़ी सी सफोकेशन की फीलिंग, या पहले ड्राई कॉफ की बात हुई। तो ऐसी चीजें अगर कुछ अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स चल रही हो तो दैट कैन बी के साइलेंट एसिड रिफ्लक्स हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली वो फिर डॉक्टर के पास जाए, जरा थोड़ी सी डिस्कशन हो, तो उसके बाद ही फिर उसको डायग्नोज किया जा सकता है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। मैं यहाँ एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, मेडिसिन इंड्यूस्ड डायरिया के ऊपर, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता इस बारे में कि अक्सर कुछ लोगों को मेडिसिन सूट नहीं करती हैं, दे डोंट नो द कॉज।
तो वो ऐसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन इनको सूट नहीं करेंगे, उससे डायरिया होगा, या ये हमेशा मेडिसिन लेने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा ये मेडिसिन नहीं सूट की? लेकिन जनरली जितनी मेडिसिन्स हैं, आपको पता ही है कि जितनी मेडिसिन्स हैं, देयर आर ऑल केमिकल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल पैरासिटामोल। बाज़ार पेशेंट्स को पैरासिटामोल ही सूट नहीं करती है, क्योंकि वो भी इरिटेट कर रही होती है। और जनरली वॉमिटिंग और डायरिया, ये लिटरली एवरी मेडिसिन कैन कॉज इट। तो इट वो डिपेंड के पेशेंट्स कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, और फिर उसमें कुछ मेडिसिन, जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, उसको रिव्यू करना पड़ता है कि उसमें कौन सी मेडिसिन है हु आर पर्टिकुलरली प्रोन टू कॉज डायरिया। और फिर हम ये करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो मेडिसिन जिसका वेल नोन साइड इफेक्ट डायरिया होता है, पहले उसको एलिमिनेट करते हैं, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि उसको मेडिकली कुछ और इश्यूज तो नहीं है कि जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, तो उस मेडिकल इशू को भी एड्रेस करते हैं। और अगर वो सब चीजें निकल जाएं, तो फिर हम मेडिसिन की तरफ आते हैं कि प्रॉबेबली कोई ना कोई दवाई ऐसा प्रॉब्लम कर रही है। तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट कॉमन टू द लीस्ट कॉमन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन दवाइयों को एलिमिनेट करते हैं। सभा ने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हेन आई टेक विटामिन सी माय एसिडिटी इज अप, ओके हाउ कैन आई टेक विटामिन सी इन अनदर फॉर्म? विटामिन सी, बेसिकली जो विटामिन सी की जो नेचर है, इसका जो केमिकल नेम है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हैं, चाहे वो किसी फल का जूस है या वो कोई केमिकल प्रेपरेशन है, विटामिन सी की टेबलेट है, तो इट इज बाय डिफॉल्ट विटामिन सी इज ऑफ एसिडिक नेचर। तो अगर इस वो लेने से स्टमक पहले ही थोड़ा सा सेंसिटिव है या डिस्टर्ब है और विटामिन सी से होता है, सो बेटर टू अवॉइड इट देन। तो अदरवाइज फिर ये किया जा सकता है कि प्योरली जूसी फ्रूट्स ना लें, दूसरे फ्रूट लें, उनमें भी विटामिन सी होता है। तो क्योंकि विटामिन सी की नेचर ही एसिडिक है, तो वो फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। ठीक है, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर किया है। आगे हम चलते हैं, समीर खान का क्वेश्चन है, एसिडिटी इफेक्ट ऑन विटामिन डी और B12? ओके, बिकॉज आई एम एसिडिटी पेशेंट एंड ऑलवेज फीलिंग टायर्ड एंड फटीग एंड व्हेन डस टेस्ट ऑलवेज लेस। एसिडिटी का डायरेक्टली इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी हो रही है तो उसके विटामिन्स कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली ये होता है कि जो पेशेंट्स एसिडिटी के होते हैं, वो आम तौर पे अगर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें या अगर वो मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें, तो बाज़ात तो उसकी वजह से भी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मिल्क में या मिल्क प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम अगर ज़्यादा मिकदार में लें तो उसकी वजह से एसिडिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो प्रॉबेबली एक इनडायरेक्ट रिलेशन ऐसा जरूर बन सकता है कि जनरली ये पेशेंट्स जो हैं, उनको दूध हजम नहीं होता या दूध कम लेते हैं, तो उस वजह से वाइटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाए, लेकिन अदरवाइज एसिडिटी की वजह से इन वाइटामिन्स की कमी नहीं होती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ स्टमक प्रॉब्लम से रिलेटेड और एसिडिटी से रिलेटेड, स्टमक इश्यूज एंड एसिडिटी एंड गैस प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वैसे भी हम लोग अपना लाइव सेशन जो है अब एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट डॉक्टर साहब कि आप एक बार दोबारा से एसिडिटी और स्टमक इश्यूज के ऊपर थोड़ा थोड़ा बता दें, ताकि जितने भी हमारे क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं वो सारे कवर हो जाएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ओके, लेकिन बेसिकली जो जनरल जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हु एक्सपीरियंसेस, जो जिनको एसिडिटी होती है या गैसेस के इश्यूज होते हैं, उसमें दो दो कैटेगरीज हैं। एक तो जिनको वाकई स्टमक से रिलेटेड इशू है कि एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिड ज्यादा बन रहा है उसमें, खास तौर पर स्टमक के अंदर कुछ जर्म्स होते हैं, एच पायलोरी जर्म्स होते हैं, जिनकी वजह से एसिडिटी बढ़ रही होती है, तो हमें बेसिकली उस वजह को भी देखने की जरूरत होती है। और दूसरी चीज जो डाइट रिलेटेड चीजें हैं, कि डाइट ऐसी है पेशेंट्स की कि वो खाने पीने का कोई स्केड्यूल नहीं है, खाना खा के फौरन लेटना है, या जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी और ऑयली है, या बाहर से खाना खाते हैं, एक कैटेगरी वो वाली है, एक इन्फेक्शन की कैटेगरी है एच पायलोरी की वजह से, एक डाइट की कैटेगरी है। तीसरी जो प्रॉब्लम जो गैसेस की ज्यादा होती है, वो जो हमने बात की थी एसिड रिफ्लक्स की, कि अगर बाज़ात ऐसा होता है कि वो स्टमक का जो अपर स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर स्टमक में एसिडिटी थोड़ी भी होती है तो इट ट्राइज टू कम अप, और वो उसकी वजह से एसिड की और हार्टबर्न की फीलिंग हो रही होती है। तो जनरल प्रिंसिपल इज टू हैव हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, और लेट नाइट ईटिंग, और इमीजिएटली खाने के बाद लेट जाना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और फिर भी अगर मामला ठीक नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर से रابطہ करने की जरूरत है कि क्यों नहीं काम ठीक हो रहा। ठीक
अब हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन आया है, मेरा बेटा सिक्स इयर्स का है और कुछ चार पांच हफ्तों से सांस खींच के लेता है, मैंने माइटेक्स भी देती हूँ फिर भी डॉक्टर ने गेप्सिन और राइजेक और नेबुलाइज करने का कहा था बट कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने कहा कि एनीमिक है, वो भी सिरप्स दे रही हूँ बट फर्क नहीं पड़ रहा, चेस्ट सीरियसली भी ठीक नहीं था और बट क्या रीज़न हो सकती है? अब ये जिस तरह से बता रही हैं, बच्चे को दो तरह की चीज़ें मिली हैं, एक तो अस्थमा की दवाई भी दी है उन्होंने और साथ में उन्होंने एसिडिटी की दवाई भी दी है। तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि बच्चे को असल इशू चल क्या रहा है साथ में। और अगर वो थोड़ी सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो वो जो, क्योंकि एनीमिक भी है, आयरन की भी कमी है, तो अब रीजंस मल्टीपल हैं, आयरन की कमी की वजह से भी हो जाता है, अस्थमा की वजह से भी और एसिडिटी भी, तो वो देखना पड़ेगा। तो बेहतर तो ये है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता करें क्योंकि बच्चों को वही जरा ज्यादा बेहतर देख सकेंगे, तो वो फिर देख के जरा ज्यादा पिन पॉइंट हो सकते हैं कि असल इशू है क्या। ठीक है, हमने कोशिश तो की है कि सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर दें, टाइमली आंसर कर दें, लेकिन अगर किसी और भी सवाल रह गया है तो वी आर रियली सॉरी, लेकिन हम बाद में कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को टैग कर दें या आप हमारे फॉरम पे जाके क्वेश्चंस पूछें ताकि आपकी क्वेरीज जो है वो आंसर हो जाएँ। साथ ही साथ ही इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन कंसल्टेशन मरहम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनका अपना क्लिनिक भी ओपन है जो कि उमर हॉस्पिटल में है, तो आप बिल्कुल उनसे जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं मैम के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दें। जी सॉरी, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट होगी, दोबारा बोलिएगा प्लीज। मैं कह रही हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज दे दें कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। जी बस जो ओवरऑल अगर हम अपनी डिस्कशन को समराइज करें और जितने जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे उन सबको देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर आस्किंग अबाउट स्टमक इश्यूज, गैसेस, एसिडिटी। सो वो जो एक चीज बार बार एम्फसाइज हो रही है वो यही है कि वी कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। नंबर वन, हैविंग हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। नंबर टू, हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कि थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, और जंक फूड को और इन चीज़ों को और फिजी ड्रिंक्स को, इनको अवॉइड करना है। और जो ज़्यादा हमारी पब्लिक में एक देखी गई है कि हम वी यूज़ अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स ऑन अवर ओन, हम खुद ही एंटीबायोटिक भी शुरू कर देते हैं, हल्का सा फीवर भी होता है, हल्का सा बुखार भी होता है तो शुरू हो जाता है। तो जो अननेसेसरी मेडिकेशन है वो खुद ही से दवाइयाँ खा लेना, वो भी स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं। तो बस यही करना है कि हेल्दी ईटिंग हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, मिनिमम पॉसिबल मेडिसिन यूज करें जो कि खुद यूज की जाती हैं, तो इन इन चीजें उससे ठीक रहती हैं। और एक जो चीज जो वो दो क्वेश्चंस में आई थी वो स्ट्रेस की थी, और स्ट्रेस का ज़ाहिर है आजकल वो कोरोना का भी इशू है, उस वजह से भी जो स्ट्रेस का एक ओवरऑल एनवायरमेंट है, सो उसमें वी हैव टू कीप आवर काम और वी हैव टू कीप द नर्व स्ट्रांग, तो चीजें ठीक रहेंगी उससे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस। हम लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे डॉक्टर साहब, लेकिन हम नहीं उनको ले सके, पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ आए और हमारे ऑडियंस के आपने क्वेश्चन के आंसर्स दिए। सो मैं हम लोग अब देते हैं आपसे इजाज़त और अगले लाइव सेशन के साथ हम हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और मरहम की एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, कोरोना वायरस सेंटर भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और कुछ एक पोस्ट चल रही है हम लोग की 50% ऑफ की, तो आप उसके भी स्टेप्स फॉलो करें ताकि आप जल्द अज जल्द लकी विनर्स में से हो सकें और अपनी 50% ऑफ कंसल्टेशन डॉक्टर से ले सकें। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।